मैं अच्छी तरह से बॉईल करके और छील ली हूँ। अब इसको मैश करके दिखाती हूँ आप लोग को। मैश कर रही हूँ तो मैश करके आप लोग को दिखाती हूँ। और ये देखिए अब मैं गैस को जला रही हूँ और अब मैं टमाटर इसमें पका रही हूँ, चटनी बनाने के लिए पका रही हूँ, तो पका कर आप लोग को दिखाती हूँ। टमाटर को मैं अच्छी तरह से पका ली हूँ और अब इसको धो रही हूँ। मैं नमक डाल रही हूँ और प्याज डाल रही हूँ इसमें। सरसों तेल डाल रही हूँ। चटनी टमाटर का तैयार है तो इसके बाद हम आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाती हूँ। तेल डाल दी हूँ और अब इसमें हरा मिर्च डाल रही हूँ और मिर्ची मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें प्याज डाल रही हूँ। अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें आलू जो मैश करके रखी हूँ डाल रही हूँ। पत्ता डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला। मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब गैस को मैं बंद कर रही हूँ। आटा सान रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो सान कर दिखाती हूँ। अच्छी तरह से डो तैयार कर ली हूँ। अब इसको बना कर दिखाती हूँ आप लोग को। लोइया बना रही हूँ। और ये कटोरी जैसा बना रही हूँ, इसमें ये आलू डाल रही हूँ जो चोखा फ्राई करके रखी हूँ। इसको बेल रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से बेल ली हूँ। अब इसको मैं तवा पर डाल रही हूँ। मेरा सीख गया है, पलट रही हूँ। और ये देखिए अब इसमें मैं तेल रिफाइंड ऑयल डालकर इसको घस रही हूँ। ये अच्छी तरह से मेरा आलू पराठा सीख गया। अब इसको मैं निकाल रही हूँ। तो इसी तरह सारा बना कर दिखाती हूँ आप लोग को। आलू पराठा, चोखा फ्राई और टमाटर की चटनी और टमाटो सॉस। आइए आप लोग भी खा लीजिए, टेस्टी और स्वादिष्ट।